कि सारी जो गाड़ियां इतनी सारी खड़ी हैं, सबका नंबर 47 है, ये क्यों? 47 इसलिए क्योंकि जो मेरा शर्ट नंबर है, जैसे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है मेरी, जो मैं कलर पहनता हूँ पाकिस्तान का, उसमें मेरी शर्ट नंबर 47 है। अच्छा, तो इस वजह से फिर मैंने सारी गाड़ियों को जो है वो 47 पे वो किया हुआ नंबर पे स्पेसिफिक। घर से रवाना हुए, जिम पहुंचे, वजारत की मसरूफियात के बावजूद फिटनेस पर खास तवज्जो देते हैं। ट्रेनर ने एक्सरसाइज करवाई, नेशनल क्रिकेट एकेडमी पहुंचे, बॉलिंग प्रैक्टिस की, बैटिंग की भी प्रैक्टिस की, निगरान वजीर बनने पर कितने खुश हुए? खुशी बिल्कुल हुई जी, एक अपॉर्चुनिटी थी कि पहले क्रिकेट की फील्ड में अपने मुल्क को सर्व कर रहा था और फिर उसके बाद जो है वो पॉलिटिकली जो है वो अपने मुल्क की जो है वो खिदमत करने का मौका मिल रहा था, तो काफ़ी खुशी थी। निगरान वजीर तो इलेक्शन तक है, क्या इलेक्शन के बाद भी सियासत करेंगे? सियासत में आने का कोई ऐसा शौक़ नहीं है, लेकिन मैं ये बिलीव करता हूँ कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो ज़रूर अवेल करनी चाहिए। यानी दोबारा अपॉर्चुनिटी मिली तो अवेल करेंगे? अगर अपॉर्चुनिटी मिली, मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई मूड नहीं। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुश कब हुए और गमगीन कब? खुशी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मुझे तब हुई जब क्या कहते हैं मेरी पहली बेटी पैदा हुई। काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया हुआ था, उसके इंटरनल ब्लीडिंग्स थी, 9 दिन वो कोमा में रही और उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं अल्लाह ताला ने उसको एक नई ज़िंदगी दी। और गमगीन दिन वो था कि जिस दिन मेरे सर से मेरा साया जो था, मेरा दोस्त, मेरे वालिद, मेरे लिए मेरा सब कुछ जो थे, वो जिस दिन इस दुनिया से रुखसत हो गए, मेरे लिए वो दिन जो था वो सबसे ज़्यादा गमगीन दिन। बिजनेस से भी पैसे आते हैं, क्रिकेट से कितने कमा लेते हैं, महाना कितना खर्च कर लेते हैं? अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह जब तक खेल रहा हूँ तब तक तो अच्छा चल रहा है सारा कुछ, अच्छी इनकम है माशाल्लाह, इतनी है कि अल्लाह ताला ने इतना दिया हुआ है कि आप मतलब खुले दिल से खर्च कर सकते हो। कितने करोड़ कमा चुके हैं? आप क्या चाह रहे? थोड़ा सा अंदाज़ा तो देखिए, मैंने कभी काउंट नहीं किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना कि अल्लाह ताला ने घर बनाने की तौफीक दे दी। 25 से 30 करोड़ कमा चुके हैं? हो सकता है जी। रोमांस कितने किए हैं? क्रिकेटर्स तो दोस्तियाँ बनाते रहते हैं। देखिए, आपने क्यों मुझे मेरी बीवी से मेरी लड़ाई करवानी है? नहीं, रोमांस उस तरीके से नहीं, मैंने जिस तरीके से कहा कि आई वॉज वेरी मच के ऐसा नहीं था कि ज़िंदगी में कभी ऐसे किसी से दोस्ती वगैरह नहीं हुई, दोस्ती वगैरह ज़रूर हुई है और एक दोस्ती का एक वक्त अच्छा रहा, लेकिन एक चीज़ बहुत मेरे लिए क्लियर थी कि जिधर मेरे पेरेंट्स शादी करना चाहेंगे, तो इस वजह से मैंने जो है वो चीज़ों को ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं रखा कभी भी। तो क्या ख़वातीन में आपको क्या अच्छा लगता है, कुछ उनका चेहरा, उनके बाल, आँखें क्या पसंद है? आई ऑलवेज बिलीव कि एक जो औरत की खूबसूरती है वो उस दुपट्टे में है, जो वो उसने वो दुपट्टा लिया होता है और वो जब दुपट्टा पहना होता है और शलवार कमीज पहनी होती है, तो आई थिंक उसमें जो ग्रेस किसी भी खातून की होती है वो मैं नहीं समझता कि वो वेस्टर्न क्लोथ्स में होती है। सो मोस्ट प्रॉबली जो चीज़ हिट करती है वो यही कहते हैं कि बाल अच्छे लंबे हों और जो वो है वो मतलब चेहरा जो खूबसूरत हो, तो ये चीज़ें तो ऑब्वियसली आपको पता है कि इनको देख के फिर बंदा कहता है कि यार वाकई ये अल्लाह ताला की बनाई हुई कुदरत है। जो क्रिकेट बोर्ड के मामलात हैं उन पर आप कितने मुतमिन हैं? क्या वजह हुआ है कि पाकिस्तानी क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता जवाल का शिकार हो रही है? ये सोशल मीडिया का दौर आया, तब से हम लोग ये चीज़ पे बहुत बिलीव करना शुरू कर दिया और हम लोगों ने अपने उन खिलाड़ियों को जो बेसिकली पाकिस्तान का एसेट था उनको हम लोग पीछे करते रहते खेलते रहे और जो नया टैलेंट आता रहा
PSL की वजह से जो हमें मिलता था हमने उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है। कोई भी इदारा हो या कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट हो, जब तक उसमें एक्सपीरियंस और यूथ मिक्स नहीं होते वो आगे नहीं जाता। लेकिन हमारी कुछ अरसे से, पिछले कुछ अरसे से जो हमारी पॉलिसी है वो बहुत सिंपल रही है कि जी PSL में जिस किसी एक लड़के ने परफॉर्म किया आप उसको उठाएं और टीम में लेके आए। सो प्रॉबेबली दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस कि ये जो डाउनफॉल है वो ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा है पाकिस्तान टीम के ऊपर। इमरान खान साहब क्रिकेट के अंदर जो तब्दीलियाँ लाए थे, उन्होंने डिपार्टमेंट्स ख़त्म करके जो है प्रोविंसेस की टीम्स बना दी थी, आप इस पॉलिसी से इत्तेफाक करते हैं या नहीं? मैं उस पॉलिसी से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि उसमें एक तो सब बच्चों का नुकसान हुआ कि जो बच्चों के साथ जो बच्चों की नौकरियां चली गई, आई थिंक वो एक ज्यादती थी। क्योंकि जहां पे 1000 बच्चा खेलता था वहां पे टैलेंट बहुत ज़्यादा सामने निखर के आता था, जिधर 200 बच्चे खेलते या 150 बच्चे खेलते उधर से तो आपको टैलेंट नहीं मिल सकता, वो तो वही लोग हैं जो बार बार दोबारा रिपीटेडली खेल रहे होते हैं।